तो आपका रिज्यूमे एनीवेज वो 50% रिज्यूमे से बेटर है। आई एम अ यूट्यूबर, तो आपको क्या लगता है कि मेरे क्या सॉफ्ट स्किल्स होंगे? तो आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको ये एक ऐप पे आना है जिसका नाम, दिस इज हाउ यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो आपकी वो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आती है कंपनी की डेवलपमेंट के ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जतनदीप बहल एंड आई होप यू गाइस डूइंग फैंटास्टिकली वेल टुडे। गाइस, आज चाहे हम गोल्डन रूल्स की बात करें या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए व्हाइल मेकिंग अ रिज्यूमे, ये हर जगह इंप्लीमेंट होगी, चाहे आप कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम। ये कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, कुछ यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको इंप्लीमेंट करना व्हाइल मेकिंग योर रिज्यूमे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और आप इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि रिक्रूटर के पास हर रोज बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं। वो आपके रिज्यूमे में क्यों इंटरेस्ट देगा? ऐसा आपके रिज्यूमे में क्या है कि उसको इंटरेस्ट है कि आपका रिज्यूमे मुझे पूरा पढ़ना है या फिर इस रिज्यूमे के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट करना है? ठीक है, जब आप इस माइंडसेट से रिज्यूमे अपना प्रिपेयर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट लेवल पे होगी। तो आज यही चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करें या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है जिससे रिक्रूटर को आपका रिज्यूमे पढ़ने में इंटरेस्ट आए। चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। चलिए, अब हम अपने पहले गोल्डन रूल की तरफ चलते हैं जो कि है इंक्लूड लिंक्डइन प्रोफाइल इन योर रिज्यूमे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक बेसिक सी लिंक्डइन प्रोफाइल बना दी और उसका लिंक अपने रिज्यूमे में दे दिया, नहीं, वो ज्यादा आपके रिज्यूमे के लिए हार्मफुल ही रहेगा रेदर देन डूइंग एनीथिंग गुड फॉर यू। तो इसलिए ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप माइंड में जरूर रखिएगा व्हाइल क्रिएटिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। पहला तो ये है प्रोफेशनल हेडशॉट एंड लिंक्डइन बैनर। अब हम सबको पता है कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क सोशल मीडिया वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी तो वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ होनी चाहिए, कैजुअल फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एक बैकग्राउंड फोटो भी होती है जिसे हम बैनर भी कहते हैं। मेक श्योर करिएगा कि वो खाली ना हो, इट शुड नॉट बी एम्प्टी, इट शुड कन्वे समथिंग अबाउट यू। आप उस बैनर में अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, आप कुछ अपने स्पेशल स्किल्स के बारे में बता सकते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल रिलेटेड है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो बैनर खाली नहीं होना चाहिए। अब दूसरा आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। देखिए, ये सेक्शन में आप वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स को मेंशन करिए जो आपको लगता है कि कन्वे करना बहुत जरूरी है टू गेट यूर रिक्वायर्ड जॉब। तीसरा हमारा पॉइंट आता है एफर्ट इन बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस। आई कैनॉट स्ट्रेस दिस इनफ दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी कनेक्टेड टू द राइट पीपल। आप जो भी कंपनीज में जॉब चाहते हैं कि मेरी ये ड्रीम कंपनी में, ये ड्रीम कंपनी में काम करना चाहता हूं, उस कंपनी के जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लोग बैठे हैं, उनके साथ कनेक्ट करें, वहां के एचआर के साथ कनेक्ट करें। देखिए, बीइंग कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ इज समथिंग दैट यू कैनॉट अफोर्ड। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 500 कमेंट्स आएंगे तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन हाउ टू क्रिएट अ लिंक्डइन प्रोफाइल। अब हमारा दूसरा गोल्डन रूल आता है इंक्लूड द राइट कीवर्ड्स। देखिए, आज के जमाने में आप इसको माने या ना माने, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर यूनाइटेड किंगडम हो, यहां पे जितनी भी कंपनीज है वो आजकल एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूज करती है टू स्क्रूटनाइज द रिज्यूमे एंड रिमूव द लो पोटेंशियल प्रोफाइल्स। अब देखिए, हार्श रियलिटी ये है कि चाहे आप जितना भी बेटर हैं अपने ओपोनेंट से जो कि सेम जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मगर उनका रिज्यूमे मोर कीवर्ड फ्रेंडली है तो उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, आपका रिज्यूमे नहीं। तो इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेटर है। अब एक रिसर्च कहती है कि एवरेज जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें 43 कीवर्ड्स होते हैं, मगर ज्यादातर रिज्यूमे सिर्फ 50% कीवर्ड्स को मैच कर पाता है। इट मींस ये है कि अगर आपने अपना रिज्यूमे उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाया है या उसके हिसाब से आपने 75-90% कीवर्ड्स को मेंशन किया है तो आपका रिज्यूमे एनीवेज वो 50% रिज्यूमे से बेटर है। तो इसका मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता हूं कि कैसे आप वो कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। गाइज, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कीवर्ड्स को आप किस तरह आसानी से ढूंढ सकते हैं किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो
जैसे आप लिंक्डइन पे हैं और लिंक्डइन में आपने डेटा एनालिस्ट की जॉब ढूंढ रहे हैं कनाडा में, तो यहाँ पे कुछ पोजीशंस जैसे ओपन हुई है, मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट, एचआर सिस्टम एनालिस्ट। आप किसी भी किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप एचआर सिस्टम एनालिस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने अबाउट द जॉब के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये मटेरियल को कॉपी कर लेना है। अब ये मैं फ़ोन पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको कॉपी करके नहीं दिखा सकता बिकॉज इट्स नॉट असेसिबल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे इसको कॉपी कर सकते हैं, उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको ये एक ऐप पे आना है जिसका नाम है वर्ड क्लाउड जनरेटर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो पहला लिंक आपका आएगा मंकी लर्न का, फ्री वर्ड क्लाउड जनरेटर। तो इसको आप क्लिक कर लें, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इस सारे डेटा को पेस्ट करेंगे, नीचे आपके पास एक लिंक आ जाएगा जनरेट क्लाउड को, आपको इसको दबा देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है। जितना बड़ा कीवर्ड उतने ज़्यादा उसका उसमें मेंशन हुआ हुआ है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो इट मींस ये चीज़ों को मेंशन करना आपके रिज्यूमे में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जब आप इनको अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं, तो उसका एक वो नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती अपने रिज्यूमे में उनको डाला गया। उसके अलावा ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को मेंशन करें अपने रिज्यूमे में। सॉफ्ट स्किल्स वो होने चाहिए जो आपकी जॉब को सपोर्ट करे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना ही ले लेता हूं, से आई एम अ यूट्यूबर, तो आपको क्या लगता है कि मेरे क्या सॉफ्ट स्किल्स होंगे? देखिए, पहला तो कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसके अलावा नेटवर्किंग स्किल्स, देन सेल्फ बिलीफ। नाउ व्हाट डू यू थिंक कुड बी माय हार्ड स्किल्स? वन, वीडियो एडिटिंग, टू, ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड थर्ड, रिसर्च। नाउ इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपकी स्क्रीन के बॉटम पे राइट हैंड कॉर्नर पे सब्सक्राइब का बटन है, जल्द से उसको दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन। हमारा तीसरा गोल्डन रूल आता है, इंक्लूड मेजरेबल रिजल्ट्स। नाउ ये बहुत ही जरूरी है कि जब आप अपने रिजल्ट्स को शोकेस कर रहे हैं, तो उसे या तो परसेंटेज बेसिस पे या फिर फिगर बेसिस पे शोकेस कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, आप सेल्स जॉब में है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं दैट यू हैव अचीव 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ऑन द प्रोडक्ट सेल्स। या फिर आप अगर एचआर में हैं, तो आप शोकेस कर सकते हैं दैट यू अचीव्ड हायरिंग टारगेट ऑफ 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 मंथ्स, विच हेल्प्ड कंपनी टू अचीव अ टारगेट ऑफ बिल्डिंग एन ऐप इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 7 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब यह है कि आपके पोटेंशियल के कारण कि आपने सिर्फ 2 महीने में 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर लिया, कंपनी ने अपना टारगेट ऐप डेवलप करने का सिर्फ 7 महीने में कंप्लीट कर लिया, इंस्टेड ऑफ एन एक्चुअल टारगेट ऑफ डूइंग इट इन 1 ईयर। तो आपकी वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आती है कंपनी की डेवलपमेंट के ऊपर और ग्रोथ को अचीव करने के ऊपर। हमारा चौथा गोल्डन रूल आता है, कीप द लेंथ ऑफ योर रिज्यूमे बिटवीन 475 to 600 वर्ड्स। गाइस, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपका जो रिज्यूमे है वो 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता आपका लंबा रिज्यूमे पढ़ने में। रिक्रूटर ज्यादा से ज्यादा आपके रिज्यूमे पे 30 सेकंड लगाएगा, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा वो तभी लगाएगा कि आपके रिज्यूमे में वो सब है जो कि वो रिक्रूटर एक्चुअल में कैंडिडेट में देख रहा है। तो इसलिए आपका रिज्यूमे क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए रिज्यूमे में वही स्किल्स को हाईलाइट करना जरूरी है जो कि रिक्रूटर को लगता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डीम्ड फिट है। इन अदर वर्ड्स, आपको हायर करने से कंपनी को क्या मिल रहा है? पांचवा गोल्डन रूल आता है, काइंडली रिमूव द बज वर्ड्स एंड क्लिशे। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि मोटिवेटेड, टीम प्लेयर, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्रिएटिव माइंडसेट एंड सो ऑन। देखिए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हर कोई मेंशन करता है अपने रिज्यूमे में। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये वर्ड्स को मेंशन करने से आप अपने आप को क्राउड से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने एक्सपीरियंस को सेल करना, ना कि समराइज करना।
तो गाइज आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल में टाइप कर लीजिए बजवर्ड एंड क्लीशेज इन रिज्यूमे, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने जैसे स्पेशलाइज स्किल्ड स्ट्रैटेजिक मोटिवेटेड पैशनेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दीज आर सम बजवर्ड्स और जिसे फ्लफ भी कहते हैं, जिसको आप अपने रिज्यूमे में अगर अवॉइड करेंगे तो बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे बजवर्ड्स टू अवॉइड इन योर रिज्यूमे का एक लिंक है, इसको आप क्लिक करके आप डिटेल में देख सकते हैं कि और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए रिज्यूमे में मेंशन करने के लिए। चलिए अब जल्द से हम रिपीट कर लेते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला तो है कि इंक्लूड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, दूसरा इंक्लूड कीवर्ड्स, तीसरा इंक्लूड मेजरेबल रिजल्ट्स, चौथा रिज्यूमे लेंथ एंड पांचवा रिमूव बजवर्ड्स एंड क्लीशे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको मेक श्योर करना है आप अपने रिज्यूमे में ना करें। पहला आता है पुटिंग एजुकेशन सेक्शन अबव योर एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिक्रूटर इनिशियली आपके रिज्यूमे पे सिर्फ 30 सेकंड देगा, उससे ज्यादा नहीं। वो 30 सेकंड से ज्यादा तभी देगा जब उसको वाकई आपके रिज्यूमे में इंटरेस्ट हो। तो आपको अपने रिज्यूमे में सबसे पहले वो ही शोकेस करना है जो कि वो पढ़ना चाहता है, और वो बस यही पढ़ना चाहता है दैट व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल फॉर द कंपनी, दैट्स इट, नथिंग मोर। सो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग एजुकेशन ऑन टॉप, आपको क्या मेंशन करना है, अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने स्किल्स एंड स्पेसिफिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट योर अचीवमेंट्स। अगर आप फ्रेशर हैं तो उस केस में आप अपने इंटर्नशिप को पहले मेंशन करिए और फिर एजुकेशन के बारे में मेंशन कीजिए। दूसरा पॉइंट, अवॉइड स्मॉल मिस्टेक्स। जैसे कि आपका जो रिज्यूमे है वो पहले तो एक सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट्स में नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो कि आप फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो एक ही फॉन्ट यूज करिए एंटायर रिज्यूमे में, मैक्सिमम आप टू कर सकते हैं बट स्टिल आई सजेस्ट एक ही फॉन्ट रखिए। तीसरा, जो आप अपना नाम मेंशन कर रहे हैं रिज्यूमे में सबसे ऊपर, वो बड़ा दिखना चाहिए, वो स्टैंड आउट होना चाहिए। उसके अलावा जब आप अपना एड्रेस मेंशन कर रहे हैं तो पूरा एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपना स्ट्रीट की डिटेल्स डाल सकते हैं और साथ में अपनी सिटी की डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके अलावा जब आपको, मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि अपने रिज्यूमे में फोटोग्राफ मत डालिएगा, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, मेरे को ये कहना तो नहीं चाहिए बट दिस इज द रियलिटी दैट सम रिक्रूटर्स माइट जज यू ऑन योर अपीयरेंस, तो उस चीज में फंसना ही क्यों, इसलिए मैं कहता हूं अपनी फोटोग्राफ्स मत डालिए। अब मिस्टेक में तीसरा पॉइंट आ जाता है, नॉट टेलरिंग योर रिज्यूमे फॉर ईच एप्लीकेशन। देखिए, आपका रिज्यूमे मॉडिफाई होना चाहिए एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन यू आर अप्लाइंग फॉर। सेम रिज्यूमे माइट नॉट वर्क फॉर ईच जॉब। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप जाने कि ऐसे कौन से स्किल्स है जो ये कंपनी देख रही है इस जॉब में, और वो आप अपने स्किल्स को स्पेसिफिकली उसमें एड करें, बट वो स्किल आप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो स्किल आप में नहीं है और आपने मेंशन कर दिया, नहीं, आज नहीं तो कल इंटरव्यू में फिर आप पकड़े जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। अगर वो आप पे वो स्किल है और कंपनी का वो रिक्वायरमेंट है, वो स्किल को स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है। अब जब हम बात कर रहे हैं नॉट टेलरिंग योर रिज्यूमे फॉर ईच एप्लीकेशन, इसका मतलब ये है जैसे किसी प्रोफाइल में लिखा है कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जिसको एमएस ऑफिस में नॉलेज हो, लेकिन हमारे रिज्यूमे में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इस केस में एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम हो सकता है हमारे रिज्यूमे के कीवर्ड्स को ना पकड़े। तो अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में एमएस ऑफिस लिखा है तो मेक श्योर करें कि आपके रिज्यूमे में भी एमएस ऑफिस ही मेंशन हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गैप्स। देखिए, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनके करियर के बीच में गैप हो जाता है, कुड बी फॉर वेरियस रीजंस, बट हम जब अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं रिक्रूटर को तो हम वो गैप्स को एम्प्टी रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपने जॉब छोड़ी जून 2022 में और आपने अगली जॉब पकड़ी जून 2023 में, तो वो एक साल का गैप रह गया। तो हम वो एक साल के गैप में हमने क्या किया, हम वो रिज्यूमे में मेंशन नहीं करते, बट अगर वो आप मेंशन करेंगे और आप स्पेसिफिकली बताएंगे कि आपने इस वन ईयर में कोई एजुकेशन ली या फिर आपने कोई स्पेसिफिक स्किल को ग्रैब किया, या इवन आप हॉलीडे पे थे, यू वर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर जॉब फ्रॉम योर करियर, यू वर गोइंग आउट एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, जो भी हो आप उसको मेंशन करिए। अब इसमें की पॉइंट ये आता है कि जब आप वो अपना एक साल का गैप दिखा रहे हैं कि आपने इसमें हॉलीडे पे गए, आपने एक्सप्लोर की न्यू प्लेसेस, या आपने एजुकेशन ली या कोई कोर्स लिया, कुछ भी, वो जो भी आपने किया, उन स्किल्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं
फॉर द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। ये मेंशन अगर आप अपने रिज्यूमे में करेंगे, ट्रस्ट मी इट विल शो सच एन पॉजिटिव इंपैक्ट एंड दिस इज हाउ यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब। हमारा अगला पॉइंट आता है नॉट शोइंग इंपैक्ट। ये रिज्यूमे पे इंपैक्ट तो तभी पड़ता है अगर हम नंबर्स दिखाएं, फिगर्स दिखाएं या कोई मैट्रिक्स दिखाएं। बट पॉइंट ये है कि हर एक जॉब फिगर्स के साथ डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होती, लेकिन एक तरीका होता है जिस तरह आप उसको शोकेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में, आपको एक सर्टेन बजट मिला है जिसमें आपको वेरियस प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करना है वेंडर से। तो अगर आपने किसी तरह कंपनी की कॉस्ट कटिंग की है तो इस केस में आप कैसे शो कर सकते हैं? एग्जाम्पल, मैंने कंपनी की हेल्प की 20% कॉस्ट कटिंग में बाय हायरिंग द राइट वेंडर्स और कंपनी ने वो 20% को यूटिलाइज किया अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में, जिसका एंड रिजल्ट ये निकला कि कंपनी की सेल्स 30% इंक्रीज हो गई। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपका चाहे कंपनी की सेल्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट आपके वो कॉस्ट कटिंग के हिसाब से कंपनी ने वो कॉस्ट कटिंग का बजट कैसे यूटिलाइज किया और उससे कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ी वुड ओवरऑल शो योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। वेल, दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि मैं लिंक्डइन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, प्लीज कॉमेंट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाइए। 500 कॉमेंट्स इस पे आते हैं तो आई विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल्ड लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वीडियो फॉर यू गाइज। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा। आई सी यू सून। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।